फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और सो फ्रेंड्स, आज शादी में जा रही हूँ, बहन का देवर है, उनकी शादी है, चाचा की लड़की है, मेरी अपनी सगी बहन नहीं है, तो वहाँ पे जा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने साड़ी धुलवा कर मंगवाया था ड्राई क्लीन से, लेकिन इतना ख़राब धुल दिया है। अब सारी तैयारियाँ इसी की साड़ी की थी, और जैसे ज्वेलरी इसी का था, और ये ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा चलो रेड साड़ी के साथ मैं पहनूंगी। बट मन तो बहुत दुख गया कि मतलब इतना मैं पैसे खर्च करके धुलवाओ, इतना बेकार धुला हुआ है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब ये साड़ी प्रेस किया हुआ है। और सब भाई भी आ गया है, तो जल्दी भी है, मैं कर भी नहीं सकती। तो मतलब पहन तो लिए हैं, और पहन के साड़ी अच्छी भी लग रही थी, मुझे पसंद है, बट इसमें बहुत मोटी दिख रही हूँ। बस प्लानिंग इसी साड़ी का था, अचानक से प्रोग्राम बन गया, और पहले से होता ना तो थोड़ी सी मैं तैयारियाँ कर लेती कि हाँ भाई चूड़ी वगैरह, तो पहले से साड़ी रेडी थी मेरी, तो मैंने इसके साथ की तैयारी करी थी, क्योंकि मैं यही साड़ी पहनी थी लखनऊ में ना, तो इनको बहुत पसंद आया था ये करे यही पहन। मैंने कहा बार बार एक ही साड़ी अच्छा नहीं लगता पहनते हुए। और देखिए फ्रेंड्स, इन्हें वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। आप लोगों का अगर कृपा होए मेरा वीडियो चले तो मैं कोई रख लूँगी, क्योंकि ये तो वीडियो बनाते हैं तो मैं तो नहीं दिखती, मेरा पैर ही दिखते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ध्यान भी नहीं देते हैं इस चीज़ को, शौक़ नहीं है बिल्कुल, मतलब कि कोई काम करें ठीक से। और देखिए मेरा चेहरा दिख ही नहीं रहा, मैं दिख पूरा शरीर दिख रहा है, मैं चेहरा ना दिखे। और फ्रेंड्स, लड़का मेरा निकाल रहा है, मेरा बड़ा बेटा है, तो गाड़ी निकाल दिया है, मैं बैठ रही हूँ, देखिए तब भी मैं नहीं दिखी, मेरा पैर ही दिखा। और हो रहा है लेट, भाई या रोड पर इंतज़ार कर रहा है। और मैं जब गई फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि 2 घंटे हम लोग अटके रह गए नकहा स्टेशन पे, तो बहुत ज़्यादा समय, और मेरा भाई 2 घंटे से रोड पे ही खड़ा था। तो फ्रेंड्स मतलब ट्रैफिक तो हट गई, फिर से वापस मेरा लड़का आके ट्रैफिक से निकलवाया। और फ्रेंड्स, अब शादी में हम लोग पहुँच गए हैं, बारात आ चुकी है, और यहाँ सभी लड़कियाँ डांस वगैरह कर रही हैं, तो लाइट इस तरह पड़ रहा था, मैंने वीडियो बनाया था, और यहाँ सब डांस कर रहे हैं। और आजकल भाई लड़कियाँ तो बहुत बढ़िया डांस करने लगी हैं, सब बहुत अच्छे से कर रही हैं। अच्छा, डांस हम लोग भी करते थे, लेकिन इस तरह से नहीं कि मतलब पापा लोगों के सामने कर देते थे, आजकल तो बहुत मॉडर्न हो गया, और हम लोग भी आज अब कर लेते हैं, पहले उतना नहीं था, बट अब तो कर लेते हैं भाई। और बेटियां तो बहुत बढ़िया डांस करती हैं भाई, मन खुश हो जाता है, तो मैंने वीडियो बनाया था। और ये मेरी बहन भी है इसके बीच में, और ये भाभियाँ हैं सब, और बच्ची हैं, बहुत बढ़िया डांस सब करी थी। और ये बहन की नंद की बेटी है, तो इस तरह से रिश्ता था। और फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी, क्योंकि हमारी बहन का रिश्ता ना थोड़ा सा अपने रिलेटिव से हट के हुआ है, तो वहाँ पे मैं उनके घर वालों के अलावा मैं और किसी को नहीं जानती थी। बट इनके बहन का हस्बैंड और ससुर जी तो मतलब पूरा टाइम बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई सम्मान करे तो उस तरह करे, मन खुश हो जाता है, कंटिन्यू हमारे साथ ही थे, और वीडियो बनाने में हेल्प भी कर रहे थे, कि मतलब कि अच्छा लग रहा था, सभी बेटियां डांस कर रही हैं, वीडियो बन रहा, सारे लोग साइड से देख रहे थे। और इधर ये है आंटी जी, जिनके लड़के की शादी है, बोले पकड़ पकड़ हम लोग ले जा रहे हैं डांस के लिए, बट ये चली जा रही है वहाँ से, नहीं कर रही, ये दूल्हे की भाभी है। और इधर ये जो क्रीम कलर वाली डांस कर रही, ये मेरी बहन है, हैं तो चाचा की लड़कियाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता है, मेरी सगी बहन नहीं है। तो ये हम लोग कर रहे हैं अब डिनर, मतलब नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता क्या खाना हो गया है, क्योंकि इधर सामने आंटी जी हैं, बगल में बहन बैठी हुई है, और इधर हस्बैंड हैं, और ये इधर अंकल जी लोग बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा मतलब स्पेशली खाना बनवा के और सेल्फ करवाते हैं, और अपने साथ बैठा के खिलाते हैं, तो ये बहुत मतलब अच्छा फील होता है कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना, और ये मेरी बहन का के हस्बैंड है, इधर बैठे हुए हैं, प्रिंट जैक कोट पहने हुए साइड में। तो
सब। और ये चश्मा जो पहन रखा है ना, ये मेरा भाई है। और हम लोगों का खाना यही स्टार्ट हो रहा है। चश्मा वाला मेरा भाई है और हस्बैंड जी को तो आप लोग वीडियो में देखे होंगे, पहचान ही रहे होंगे, मेरे भी बगल में है। और ये बोल रहे हैं कि और ये कोई भी चीज़ छोड़ रहा मत, अब दिखा दिखा के हम लोग खाना खाएंगे, देखोगी तो याद रहेगा कि हम सारे खाने खाए थे। और ये अंकल जी हैं जिनके बेटे की शादी है, तो ये खाना हम लोगों के लिए लास्ट में बनाया गया, बिल्कुल गरम गरम खाना था, ला के सर्व कर रहे थे। तो ये मतलब मैं बार बार कहूँगी, अगर कोई किसी आपके घर पे कोई आ रहा है तो इसी तरह सम्मान कीजिए, बहुत अच्छा फील होता है और लगता है कि हाँ भाई हमारा भी अपना कुछ वजूद है और हमें भी लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके, और सारे लोग पीछे लग रहे थे तो बढ़िया लग रहा था। और अब हम लोग खाना खा लिए हैं तो ये हो रहा है बरमाला। अच्छा, बरमाला का सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया, एक कमल का फूल जैसा बना रखा है, कमल का फूल के अंदर दूल्हा दुल्हन को कर देते हैं, फिर जब बरमाला डालने का टाइम तो खिलता है, ये देखिएगा इतना बढ़िया से ये खिल जाता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे लगता है कई चीज़ों देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि अपने बेटे की शादी में मैं ये सब भी करवाऊँगी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कमल के फूल में बंद थे सब, फिर बरमाला के मतलब अचानक से फूल खिल जाता है, उसमें से ही दूल्हा दुल्हन निकल जाते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये तो मैं मतलब ये वाला तो स्टेज पे घूमते हुए मैं बहुत बार देखी हूँ बरमाला, बट ये कमल वाला मैं पहली बार ही देख रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने बार बार देखा, मैं पहली बार ही देख रही हूँ। सिंपल से तो बरमाला हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक था, सही था, अच्छा लग रहा था। और ऊपर से ये जो पाइप लगा के फूलों की बारिश करवाते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब मेरी बहन के शादी में भी हुआ था, बट ये मतलब कमल के फूल वाला नहीं था, ये तो यूनिक था, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं देखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दुल्हन भी बड़ी प्यारी है, सुंदर सी, बिल्कुल गोरी है और अच्छी है, दुल्हन भी बहुत सुंदर है। वहाँ जा के मुझे, जैसे मैं नहीं जाती ना, जाने वाली तो नहीं थी मैं, ऐसे ही अचानक से प्रोग्राम बन गया जाने के, भाई फ़ोन किया कि दीदी मैं आ रहा हूँ और चलिए शादी में जाना है तुम्हें, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, जाना ही है। तो मैंने मना नहीं कर पाई और मुझे जाना ही पड़ा। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके, इतना सम्मान हर जगह नहीं मिलता है, ये चीज़ कहीं कहीं ही मिलता है, तो इसे कभी मिस नहीं।